हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है इरफान। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंगल ब्रेस टू बटन कोट कटिंग करना बता रहा हूं, जिसका मेजरमेंट है लंबाई 29.5 इंच, शोल्डर है 19 इंच, स्लीव लेंथ 24 इंच, चेस्ट सीना है 45 इंच, स्टमक पेट है 43 इंच, हिप है 47 इंच और इसका कॉलर है 18 इंच। कोट कटिंग करने के लिए मैंने एक सिंगल फैब्रिक लिया है, सिंगल कपड़ा, और इसमें ही मैं आप लोगों को कट करके दिखा रहा हूँ। तो एक 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, 3 इंच, और लेंथ लंबाई है 29.5, 29.5 इंच। तो जितना भी लंबाई है इस मार्क में ऐसे रखना है, 29.5, 29.5 इंच, और यहाँ मार्क लगाना है। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और सबसे पहले हम आर्म होल डाउन करेंगे। सीना है 45, 45 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 10.25 इंच, 10.5 भी कर सकते हैं, 10.25 से 10.5 इंच आर्म होल डाउन करना है 45 सीना में। यहाँ से 1.5 इंच एक सूत ऊपर उठाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक सूत ऊपर उठाना है बैक कटिंग करने के लिए। स्टमक का सेंटर लगाएंगे, लंबाई का आधा करेंगे और 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे। लंबाई का आधा 15 इंच और हमने 2.25 इंच प्लस करके 17 इंच पे मार्क लगाया है, तो 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेना है लंबाई का हाफ करके। अब सेम मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच एक इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ 1.5 इंच 1.5 इंच और यहाँ लगाना है 2 इंच 2 इंच और यहाँ भी 2 इंच। नेक कॉलर है 18 इंच, 18 का पांचवा हिस्सा करेंगे तो होता है 3.5 इंच 3.5 इंच। यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाएंगे और यहाँ से 2 सूत नीचे डाउन करेंगे। यहाँ शोल्डर का मार्क लगाएंगे, शोल्डर है 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे और प्लस 1/2 इंच मार्जिन। शोल्डर का आधा 19, का आधा 9.5 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 10 इंच। अब ये जितना है उतना ही यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे सीधा और क्रॉस बैक 0.25 इंच 3/4 माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ हमने 1 इंच ऊपर उठाया है तो यहाँ भी 1 इंच पर ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच 2 इंच। यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन सिलाई में जाएगा और अब यहाँ से इसको 1/2 कर लेना है, एक बीच सेंटर लगा लेना है। यहाँ से 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन, यहाँ से स्टमक को 6 से डिवाइड करना है प्लस 1/2 इंच मार्जिन। पेट का छठा हिस्सा करना है और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन, तो पेट का छठा हिस्सा 7.25 इंच और 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड किया तो ये हुआ 7.25 इंच। अब ये जितना है सेम उतना ही यहाँ नीचे ऐसे लगा लेंगे। इसका हिप और स्टमक में 4 इंच का डिस्टेंस है तो यहाँ से 0.5 से 0.75 इंच प्लस कर लेना है, तो हमने 3/4 0.75 इंच प्लस किया है। यहाँ से वेंट के लिए, चाक के लिए मार्क लगाएंगे 7 इंच
और 1 इंच मार्जिन, यहाँ से 1.25 इंच और यहाँ भी 1.25 इंच। यहाँ से बॉटम में मार्जिन रखेंगे 2 इंच 2 इंच। ये मार्जिन आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ से 1/2 इंच आधा इंच पे एक मार्क लगाना है और इस मार्क को ऊपर तक स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो बैक हमने कट कर लिया है और अब हम फ्रंट में मार्क लगाएंगे। तो ये सभी मार्क स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, सीना का चौथा हिस्सा, सीना 45 है तो 1.25 इंच और यहाँ से तख्ती माइनस करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच। सेम यहाँ भी सीना का चौथा हिस्सा रखेंगे और तख्ती माइनस 1.5 इंच, या फिर आप इसको ऐसे मेजरमेंट करके यहाँ स्ट्रेट कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। अब इस वाले मार्क से 1.25 इंच पे मार्क लगाना है, 1 इंच 3/4, और इसको मेजरमेंट करना है। ये जितना है स्ट्रेट उतना ही बिल्कुल यहाँ ऐसे रखना है और 1.25 इंच कम कर देना है। हम 3/4 कम कर रहे हैं, 1 इंच भी कम कर सकते हैं, यानी 1.25 इंच कम कर लेना है। 42 के बाद सीना, 42 के बाद जितना भी चेस्ट हो उसमें आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है। यहाँ से वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे 1.25 इंच, सीना है 45 तो वेल्स पॉकेट 4.5 इंच का, एक बीच सेंटर 1.25 इंच, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर और यहाँ से 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच। यहाँ से 3/4 1/2 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे, ये लंबाई का मार्क होगा, और यहाँ से लेंथ का 1/3 लंबाई का 1/3 हिस्सा लगाना है। ये नीचे से फर्स्ट काजा है, नीचे से इस वाले मार्क को स्ट्रेट वाले मार्क से मेजरमेंट करना है और यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। 1 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे पॉकेट बनाने के लिए। यहाँ से हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं स्ट्रेट करने के लिए। और यहाँ हम पेट डार्ट निकालेंगे 1/2 इंच 3/4, तो 3 सूत नीचे 3 सूत ऊपर, 1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर ऊपर, टोटल 1/2 इंच। यहाँ हम फ्लाप का मार्क लगाएंगे, फ्लाप का चौड़ाई 2 इंच रखेंगे 2 इंच। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे 2.5 इंच, ये डार्ट का पॉइंट रहेगा। अब यहाँ से इसको 1/2 करना है, एक बीच सेंटर लगाना है
और 1 सेंटीमीटर 3 सूत आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो ऐसे हाफ़ करना है और हाफ करने के बाद 1 सेंटीमीटर प्लस कर लेना है। पहले मैं ये फॉलो नहीं करता था, पहले मैं हाफ ही कर लेता था, लेकिन अब मैं 1 सेंटीमीटर प्लस कर रहा हूँ। अब यहाँ से 1.25 इंच 3-4 पे एक मार्क लगाना है। अब यहाँ से आधा इंच हाफ इंच ऊपर उठाना है, आधा इंच अप। शोल्डर डाउन हमने 2 इंच किया था तो यहाँ 2 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ हमने आधा इंच ऊपर किया है तो यहाँ भी आधा इंच ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन 2 इंच। तो बैक को ऐसे रखना है, ऊपर वाला मार्क, और यहाँ 1 सेंटीमीटर 3 सूत माइनस कर देना है। ये माइनस इसलिए करना है कि बैक में नम आएगा, फुलनेस आएगा, जिसको धमक भी बोलते हैं। यहां से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से 3.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, 3.25 इंच डाउन करेंगे यहाँ से, और इस वाले मार्क में इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ से लेपल का चौड़ाई रखेंगे, सीना 45 है तो हम 3 इंच रख रहे हैं, 3 इंच। आप ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमर को जैसा चाहिए उसी हिसाब से। यहाँ से हम ठोका यानी पिक का मार्क लगाएंगे, तो हम लगा रहे हैं 1.5 इंच 1.5 इंच। लेपल का चौड़ाई 3 इंच है तो इसलिए हमने 1.5 इंच का पिक का मार्क लगाया है। यहाँ से एक 1.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। स्टमक है 43 इंच और चेस्ट है 45 इंच, 2 इंच का डिस्टेंस है, 2 इंच का फर्क है, तो यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, 1.5 इंच पे। अब हम लूजिंग का मार्क लगाएंगे। लूजिंग का मार्क कैसे लगाना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ इसको मेजरमेंट करेंगे और ये जितना भी है इसको ऐसे पकड़ लेना है, और यहाँ ये जो स्ट्रेट मार्क है इस मार्क पे ऐसे रखना है, और यहाँ इस मार्क तक इसको मेजरमेंट करेंगे। इसको उठाकर, ये जितना भी है इसको उठाकर इस वाले मार्क पे रखना है ऐसे, और चेस्ट का हाफ लगाना है। सीना है 45 इंच, 45 का आधा 22.5 इंच 22.5 इंच। अब यहाँ से हम लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन का मार्क लगाएंगे, तो मीडियम फिटिंग के लिए 4.5 इंच 4.5 इंच पे मार्क लगाना है। सिलाई का मार्जिन और लूजिंग इसमें इंक्लूड है, चेस्ट में लूजिंग 5.5 इंच आएगा रेडी। यहाँ इसको मेजरमेंट करेंगे, ये 7.25 इंच है तो इसको भी ऐसे पकड़ लेना है, और यहाँ स्ट्रेट वाले मार्क पे ऐसे रखना है। इस मार्क तक मेजरमेंट करेंगे, उठा के इस वाले मार्क पर रखेंगे। स्टमक का हाफ करेंगे, पेट का आधा 21.5 इंच 21.5 इंच, और यहाँ से मीडियम फिटिंग के लिए लूजिंग का मार्क लगाएंगे 3.5 इंच। लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन है। टाइट फिटिंग के लिए, स्लिम फिट के लिए 3 इंच लगाना है, मीडियम फिटिंग के लिए 3.5 और लूज फिटिंग के लिए आप 4 इंच तक लगा सकते हो।
यहाँ इसको भी मेजरमेंट करेंगे, ये जितना भी है इसको ऐसे पकड़ लेना है और ये स्ट्रेट मार्क पे ऐसे रखना है। हिप का हाफ करेंगे, हिप का आधा, तो हिप है 47 इंच, 47 का हाफ 23.5, 23.5 इंच। और यहाँ से हम लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन, तो टाइट फिटिंग के लिए 3.5 इंच लगाना है, मीडियम फिटिंग के लिए 4.25 इंच लगाना है, 4.25 से 4 इंच लगा सकते हो मीडियम फिटिंग के लिए, तो हमने 4.25 इंच लगाया है। यहाँ हमने पेट डार्ट 0.25 इंच निकाला है, 3/4 0.25 इंच, तो यहाँ भी 3/4 पे मार्क लगाना है 0.25 इंच ऐसे। यहाँ से मार्जिन रखेंगे, यहाँ से लगा लीजिए 2.5 इंच, 2.5 इंच और यहाँ 3 इंच। बॉटम में मार्जिन हम रखेंगे 2 इंच, बैक में हमने 2 इंच रखा था तो फ्रंट में भी 2 इंच। अब मैं आप लोगों को इसका लेंथ लंबाई मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ, ऊपर से 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर, और ये रेडी लेंथ आएगा 29.5, 29.5 इंच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। यहाँ ऐसे 1 से 2 सूत ऐसे अंदर लेते हुए ऐसे शेप करके यहाँ मिला देना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजू का कटिंग करना बताऊंगा, पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजू का कटिंग करना बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।